सीमा ने शादी का 8 लाख पुलिस को मिला, 8 लाख शादी की जो शादी करवाई गई वो 8 लाख रुपए, और इनसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। मैं आपको ये बता दूं पूरी जानकारी आपको इनसे। तो भाटी सिस्टर अब उनके खिलाफ नहीं बोलती हैं, जिसकी वजह से उनको इतना नेम फेम मिला, क्योंकि उनको छेड़ किया गया हुआ है। जब भाटी सिस्टर बोल रही थी कि भैया हम तो इसको यहाँ रहने ही नहीं देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज उनके पास एक लाइव में आने का या अपने ही चैनल से कुछ शब्द बोलने का, बोलने की इजाजत नहीं है। आखिर जीत सच्चाई की होती है, और वो समझ चुके हैं भैया जी, निठल्ले ना निकारा तो हाँ, अब वो समझ गए हैं कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, तो अब हो गए हैं वो भीगा हुआ चूहा। तो इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि वो भीगा हुआ चूहा है, उनको तो करिए, उनको ऐसे पूछ पकड़ के साइड में रखिए, उनके बस की कुछ नहीं है। मैं किसी बड़े ऐसे राजनीतिक लोगों का हाथ नहीं है, ये नहीं है, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उनको किस बात का डर है या कुछ ऐसा है। वो वकील हैं तो उनसे कम थोड़ा सा उनको बोला गया होगा, और मैं भी बोला गया होगा, जरूर बोला गया होगा, क्योंकि जब वो बार बार ये बात करते हैं कि मैं आप लोगों को जो है, जो बातें यहाँ पे नहीं मैं खोल सकता हूँ, वो बातें मैं आपको सामने आके जब बताऊंगा, तो आप फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इश्यूज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और क्या मतलब ऐसी क्या बात है कि जो बाकी। वैसे अपनी तरफ से वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ये माना, पहले वो नहीं मान रहे थे, आज उन्होंने ये माना कि अभी तक वकील मैं ही हूँ और सारा श्रेय जो है वो एपी सिंह ले जा रहा है। तो मैंने कहा यही तो हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट आया ना, मेरा सीधा पता, जितने सारे लोग नीचे से कमेंट करते हैं ना कि सीमा 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 लगा रखा है, मुझे सबसे पहले अंजू का ख्याल आया। मैंने कहा अब आया सही जवाब, क्योंकि अब लोगों को पता चलेगा कि हम अगर अंजू के बारे में नहीं इतना बात कर रहे थे कि अच्छा उसने नहीं किया है, वो सब जानते हैं, जैसे इसने अच्छा नहीं किया है, बट वो लीगली गई थी, इतना उसका था थोड़ा सा, उसका जो एक पॉइंट बढ़ता है कि वो लीगली गई थी। अब जैसे उन्होंने बोला, एपी सिंह जी ने बोला कि अंजू गई, इसने किसी को नहीं बताया, तो वैसे ही ये आई, इसने कौन से ढोल नगाड़े बजाए कि मैं भैया यहाँ से भाग रही हूँ, दोनों ने सेम किया है। लेकिन जो अभी उन्होंने जो बताया है कि रिलीजन के नाम पे आप अगर रिलीजन अगर चेंज करके वो बनने की कोशिश करते हैं, और शादी करने के बाद अगर आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ये लिखा भी, ये उन्होंने पढ़ के भी सुनाया और सबको एक्सप्लेन करके भी, जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं आया उनके लिए बाकायदा उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और मैं फिर भूल जाऊंगी, अब तीन हमारे सामने, तीन वकील हैं, एक हमारे सामने मोमिन मलिक साहब हैं, एक पराशर सर हैं, एक भैया जी हैं। कहां वकालत, कौन करने देगा उनको वकालत, वकालत के नाम पे धब्बा है। इसलिए भैया जी हम उनको बोलते हैं जो निठल्ले होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है। तो मेरा भैया जी उनको ये बोलने का मतलब है, जिनको मैं बोलती हूँ तो भाई बोलती हूँ। फिर मैंने बोला सर अब इसने जो ये शादी की है, तो इस शादी से आपको क्या लगता है, ये क्या दिखाना चाहती है कि भाई मैंने शादी कर ली, सोशल मीडिया पे फोटोज डाल दी, वो डाल दी। तो उन्होंने यही बोला है कि उनको, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है नहीं शुरू से, और अभी वो एक शादी में ऑलरेडी बंधे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो करना है वो एपी सिंह को करना है, और एपी सिंह ये दिखाना चाहता है कि पहली शादी भी इनकी हो चुकी है, उसका मतलब लोगों ने देखी नहीं थी तो यहाँ पे लोग देख लेंगे। तो लोग यहाँ पे लोगों को नहीं दिखाना है ना, यहाँ पे तो हमें, बिल्कुल सही। हमने कोर्ट में साबित करना है कब शादी हुई, और हैदर भाई से कब कब उनसे हैदर भाई से वो हुआ, तलाक हुआ, क्या हुआ, जो चीज कोर्ट में दिखाना है उस पे काम करो ना। आप इस पे काम क्यों करते हैं, आप इस चीज को दिखावे पे काम क्यों करते हैं, आप लोगों को दिखाने वाले होते कौन हो, क्योंकि आप 1 साल से बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। वो कम था जो आप इतना बड़ा जो वो रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, और इस षड्यंत्र का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मोमिन मलिक साहब जी ने जो वीडियो भेजी है वो इनके लिए इसलिए भेजी है कि जो आपने किया है ये निराधार है, किसी भी एंगल से ये कामयाब नहीं है, चाहे वो हिंदू हिंदू लड़की हो चाहे वो मुस्लिम लड़की हो। तो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा जो है वो अंजू के लिए भी संदेश दे दिया। अब आप आराम से बैठो, बिल्कुल जैसे भैया जी बोलते हैं ना जिनको, आवारागर्दी करो, जहां आपको मर्जी आए आवारागर्दी करो, आपने सीमा को रखना है रखो, भैया बच्चों को डिपोर्ट होने दो, बीच में टांग मत अड़ाना, बिल्कुल भी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। 5 लाख 5 करोड़ का डिफेमेशन आप पे भी आया हुआ है,
और आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो फोटोग्राफ्स है, आपका जो वीडियो है, आपकी जो रिसीविंग है वो सारी की सारी जा चुकी है। तो बेवकूफ अब मत बनाइए किसी। तो इस आदमी ने कानून के दायरे में रह के हम लोगों को बेवकूफ बनाया, हम लोगों को वरगलाया, सिवा के इमोशन से खेला, बच्चों को यहाँ मंगवाया, चाहे वो जितना भी जो क्राइम हुआ है ना किया है। लेकिन अब रहे दो हमारे हमारे पराशर सर हैं, जब भी बोलते हैं पहले उनको आप क्वेश्चन उनको देखिए आप, वो अपना जब क्वेश्चन सुनते हैं ना वो पिन ड्रॉप साइलेंट होते हैं। बात अलग है कि मंदिर की घंटी बजती रहती है, एकदम साइलेंट होते हैं। फिर उसके बाद उनको कोई क्राउड नहीं चाहिए, जब वो बोलते हैं तो वो एक बार पहले अपनी चेयर को बैक ले जाएंगे, सोचेंगे, देन उसके बाद वो सोच के जवाब देंगे कि इसका जवाब अगर मैं इस तरह दूंगा किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा यहाँ पे इतना अच्छा वक्ता है, केस लड़ते हैं, जिरह करते हैं, फिर भी उनको सोशल मीडिया पे सोचना पड़ रहा है बोलने के लिए। ये हुई पराशर सर की बात। अब आ जाते हैं हम बजरंगी भाईजान जी के पास। बजरंगी भाईजान जैसे उनका नाम है ना, मतलब अब क्या बोलूं मैं आपको, ये भी करना है लेकिन पूछना मत मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरा काम हो जाएगा मैं अपने आप बता दूं। जितना हो गया उतने के बारे में बात करिए, आगे क्या होगा वो मैंने करना है, फिर मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा। मतलब ये शरारती जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे को काम करना भी है, तो आप ये लगा लीजिए कि उनकी डेफिनेशन ये है कि मेरे को ये काम करना है, चाहे जैसे भी करना है, मेरे को यहाँ से तोड़ मोड़ के, उधेड़ के, ये करके वो करके, मतलब ये काम करना है, मुझे सुधारना है। तो ये डेफिनेशन जाती है हमारे बजरंगी भाईजान को, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं तो सल्यूट है उनके लिए। और इतनी इतना मतलब इतना पोलाइट कैसे हो सकता कोई बंदा, जो इतना मैं मेरी जैसी होती और मैं अगर पुलिस थाने में मैं जाती और पुलिस वाले मेरे नहीं पूछते तो शायद मैं झगड़ा करके आ जाती, शायद मैं ये भी नहीं सोचती कि चलो इन्हीं के सामने मैं आगे मैं मेल डाल दूं या कुछ कर दूं, मैं वहां पे शायद उनको वार्न करके आ जाती कि आप नहीं करेंगे तो हम मैं ये कर लूंगी या मैं वहां चली जाऊंगी। बट उन्होंने इतने पोलाइटली 11 तारीख को ही इतना सारा काम कर दिया, जिसके लिए परसों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हम लोग फंस गए। फिर उनको लगा यार ये लोग फंस रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली वो हम लोगों को देखते हैं कहीं ना कहीं कि सारे के सारे लोग चर्चा करते हैं। उन्होंने आके वो वीडियो बनाया, तो एक जो खेलकूद वाला जो एक हमारा वो होता है ना स्वभाव, वो उस खेलकूद में ही सारा कुछ कर जाते हैं। तो आप ये देखिए कि वकीलों की डेफिनेशन जो मैंने दी है, तो डेफिनेशन इसलिए दी क्योंकि मैंने व्यक्ति देखे हैं, मैंने उनसे बात की है, मैंने उसको अपने सामने बहुत बार देखा है भैया जी को। उसका काम काज कुछ नहीं होता है, उसको पैसे से मतलब होता है। जितने लोगों के उसने केस लिए होंगे आज सारे तिहाड़ जेल में बंद है उम्र कैद के लिए। बाकी उस निर्भया केस में आपने देखा उसने इतना लंबा खींचा, वो भी बिचारी जो लेडी वो थी वकील थी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी इन्होंने इतना खींचा कि 7 साल 3 महीने तब भी लगा दिए। उसके बाद भी उन्होंने रात को कोर्ट खुलवा दिए, जज बुलवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनका एक जो वो था वकील था वो यहाँ लपटने लग गया कि नहीं मेरे को तो भाई फांसी देनी ही नहीं है, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ फांसी पे। लेकिन क्या हुआ, उनका कितनी कोशिश करने के बाद भी आखिर जीत सच्चाई की होती है, और वो समझ चुके हैं भैया जी निठल्ले ना निकारा तो हाँ अब वो समझ गए हैं कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, तो अब हो गए हैं वो भीगा हुआ चूहा। तो इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि वो भीगा हुआ चूहा है, उनको तो करिए, उनको ऐसे पूछ पकड़ के साइड में रखिए, उनके बस की कुछ नहीं है। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बिल्कुल कल और जिस तरह से मेरी आस्था, मैंने देखी सारी, देखी मैंने सारी, देखी मैंने पूरी वीडियो देखी मैंने आस्था वादी आज आज का आप, मैंने वो लाइव, मैंने अपनी लाइव, सीमा ने शादी का 8 लाख पुलिस को मिला, 8 लाख शादी की जो शादी करवाई गई वो 8 लाख रुपए, और इनसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, मैं आपको ये बता दूं पूरी जानकारी आपको इनसे। तो भाटी सिस्टर अब उनके खिलाफ नहीं बोलती हैं, जिसकी वजह से उनको इतना नेम फेम मिला, क्योंकि उनको थ्रेड किया गया हुआ है। जब भाटी सिस्टर बोल रही थी कि भैया हम तो इसको यहाँ रहने ही नहीं देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज उनके पास एक लाइव में आने का या अपने ही चैनल से कुछ शब्द बोलने का, बोलने की इजाजत नहीं है। आखिर जीत सच्चाई की होती है, और वो समझ चुके हैं भैया जी निठल्ले ना निकारा तो हाँ अब वो समझ गए हैं कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, तो अब हो गए हैं वो भीगा हुआ चूहा। तो इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि वो भीगा हुआ चूहा है, उनको तो
करिए, उनको ऐसे पूछ पकड़ के साइड में रखिए, उनके बस की कुछ नहीं है।